जी हाल चाल मित्रों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज में होंगे और हैप्पी होंगे। खुश रहना सीखो यार, मौज में रहना सीखो। ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी बहुत कमीनी भी है, किसी को नहीं छोड़ती है। यहाँ पर सूरज चांद तारे तक को मौत निकल जाती है तो तुम कौन हो यार? तो 50-60 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए बहुत एरोगेंट में, बहुत घमंड में मत घुमा करो कि मेरे पास फलाना चीज़ है, मेरे पास घर है, मकान है, सुंदर पत्नी है, तरह तरह के बैंक बैलेंस हैं और तमाम चीज़ें। ये किसी काम की नहीं है। जब मौत सामने खड़ी हो जाएगी ना, सब चीज़ें दो कौड़ी के भाव बिक जाती हैं, और मैं शायद ज़्यादा कह रहा हूँ। तो इसी कारण यदि तुम्हें अपनी औकात देखनी हो ना, तो कभी कदार जाकर के शमशान पर बैठ जाया करो और जलती हुई लाशों को देखा करो। तुम्हें अपनी औकात समझ में आएगी कि मैं जी कहाँ रहा हूँ और मैं अपने आप को साबित क्या करना चाहता हूँ और लोगों को दिखाना क्या चाहता हूँ। बात समझ रहे हो? तो इसी कारण हमेशा अपने जिस्म की औकात याद रखो और अपनी औकात याद रखो कि 50-60-70 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। धूल दूसरी तो हो जाओगे, राख बन जाएगी तुम्हारी, जो देह है तुम्हारा, जो घमंड है ना, वो राख राख हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना और गांठ बांध करके रख लो अपने दिमाग में, ठीक है? तो ये छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसे अपने जीवन में भी अप्लाई करोगे, ठीक है? चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि के बारे में, बहुत ज़बरदस्त औषधि के बारे में। मतलब बिना पैसे खर्च किए तुम सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हो, सैकड़ों बीमारियों से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आयुर्वेद को हल्के में ले लेते हैं। यार कैसे यार, केवल पानी पीने से या फिर कैसे जो है थोड़ी मोड़ी जड़ी बूटियाँ खाने से हम इतनी गंभीर गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं? यार ये तुम्हारा संदेह ही ना तुम्हें ठीक होने से रोकता है। इसी कारण संशय मत करो, संदेह मत करो। विश्वास के साथ पिया गया पानी भी ना तुम्हारे रोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? इसमें बाकायदे रिसर्च हुई और पता चला है कि विश्वास करके पिया हुआ पानी भी दवाई का काम कर जाता है। बात समझ रहे हो? इसी कारण विश्वास करके दवाइयों को लिया करो, या फिर जो भी ले रहे हो, जड़ी बूटी ले रहे हो, पानी पी रहे हो, या फिर कुछ भी खा रहे हो, विश्वास करके चीज़ों को ग्रहण किया करो, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुनगुने पानी से होने वाले चमत्कारिक फ़ायदों के बारे में। यार ये हमारे आयुर्वेद की बहुत ही उच्च कोटि की औषधि है जिसे हम लोग हल्के में ले लेते हैं यार, कि पानी पीने से कैसे ठीक हो जाएंगे। भाई वीडियो को पूरा देखना, अंत में हम बताएंगे किस तरीके से और कैसा पानी आपको पीना है ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम दवाई को भी गलत समय पर और गलत तरीके से खाना शुरू कर देते हैं ना, तो उससे भी साइड इफेक्ट हो जाता है, उसके भी दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं और दवाइयाँ फ़ायदा नहीं करती हैं। बात समझ रहे हो? तो गुनगुना पानी यार बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए, बहुत सारे रोगों के इलाज में बहुत ज़्यादा काम आता है, बशर्ते हमको इसका उपयोग सही ढंग से करना आना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करो, शेयर कर दो वीडियो को, पूरा देखो वीडियो को, मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो चलो बात कर लेते हैं गुनगुने पानी के सेवन से होने वाले बहुत सारे फायदों के बारे में। भाई राजीव दीक्षित सर ने इसके बारे में बहुत बताया है कि गुनगुना पानी किस तरीके से हमारी गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर कर सकता है, हमारे शरीर को डिटॉक्स कर सकता है, यहां तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी दूर करने में गुनगुना पानी बहुत सफल माना जाता है। समझ रहे हो? बहुत सफल माना जाता है और बहुत सारे लोगों पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, क्योंकि उन लोगों ने विश्वास करके गुनगुने पानी को दवाई की तरह उपयोग किया है और तुम्हें लगता है कि यार नॉर्मल पानी है, इससे कैसे ठीक हो सकते हैं। यही संशय तुम्हें फायदा पहुंचाने से रोक देता है। इसी कारण संशय ना किया करो, संदेह मत किया करो, विश्वास किया करो, ठीक है? विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे रोगों से निदान दिलाएगा। चलो बात कर लेते हैं इससे होने वाले कुछ अद्भुत फायदों के बारे में। वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसका सेवन करना है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पेट में कब्ज बनती है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, अल्सर है, बवासीर है, या फिर किसी भी तरीके की पेट संबंधित या फिर डाइजेशन संबंधित परेशानी है, तो उस दौरान गुनगुना यानी गर्म पानी पीना बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। कब्ज वगैरह को दूर करने में, हमारे पेट की गंदगी को डिटॉक्स करने में, पेट से गंदगी को बाहर निकालने में, पुरानी से पुरानी कब्जियत को दूर करने में गुनगुना पानी बहुत बेनिफिशियल होता है यार। गर्म पानी बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है? अगले फायदे की बात करें तो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बॉडी को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अक्सर हम लोग हाइड्रेशन को दूर करने के लिए ठंडे पानी का सेवन करते हैं, गर्मियों में लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन उससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन यदि आप गर्म पानी पीते हो ठंडे पानी की जगह, तो ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आपकी बॉडी 24 घंटा हाइड्रेट रहती है, शरीर में पानी की कमी नहीं होती और आप हेल्दी बने रहते हो, ठीक है? यदि बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है तो इससे आप बहुत सारी बीमारियों से सहज ही बच जाते हो,
ठीक है। अगले फायदे की बात करें तो वजन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि डाइजेशन सिस्टम को संतुलन में लाती है, जिससे हमारे पेट साफ होता है, पेट से गंदगी बाहर निकलती है। इसी वजह से ये हमारे वजन को भी कंट्रोल करने के बेहद काम आती है। जब हमारे पेट से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, तो इससे सहज में वजन कंट्रोल में आता है, चर्बी घटने लगती है और आपको खुद पता चलेगा यार पानी पीने से वजन कंट्रोल में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अगले फायदे की बात करें तो स्ट्रेस लेवल को दूर करने में गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, काम की वजह से तनाव बहुत ज़्यादा है, मन नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि डिप्रेशन वगैरह हो जाता है लोगों को, तो कहीं भी मन नहीं लगता, लगता है कि मर जाएं आप, तो उस दौरान भी गुनगुना पानी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो छोटी सी औषधि है स्ट्रेस वगैरह को दूर करने में। हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है, हमेशा प्रसन्न रहने का मन करता है। तो गर्म पानी उस रासायनिक पदार्थ को अधिक मात्रा में बनाता है, जिससे आप हमेशा खुश रहते हो, तनाव से दूर रहते हो, स्ट्रेस वगैरह से दूर रहते हो। ठीक है, अगले फायदे की बात करें तो ये छोटी मोटी सर्दी जुकाम, वायरल संक्रमण और अन्य बीमारियों को दूर करने के बेहद काम आता है। यदि आप सर्दी जुकाम बुखार या फिर वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण और अपने शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहते हो तो गुनगुने पानी का सेवन करो, गर्म पानी का सेवन करो, इससे आप बड़े से बड़े संक्रमण से बचे रहोगे और हमेशा हेल्दी रहोगे। ठीक है, जो ये तथाकथित वायरस आया हुआ है जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, इसको ये खत्म करने के बेहद काम आता है। अगले फायदे की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो उससे हमारी स्किन पर आए कील मुहासे दाग धब्बों, झुर्रियों, झाइयों को दूर करने के बेहद काम आता है। गर्म पानी में एंटी ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि कील मुहासे दाग धब्बों को दूर करके हमारी स्किन को ग्लो रखने में बेहद मदद करता है। तो यदि आप अपनी स्किन को सहज में बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी साइड इफेक्ट के स्वस्थ रखना चाहते हो और अपनी स्किन को टाइट रखना चाहते हो तो भाई इसका सेवन करना शुरू कर दो, हमेशा जवान दिखोगे और नवयुवक दिखोगे। अगले फायदे की बात करें तो भूख को बढ़ाने के बहुत काम आता है गर्म पानी। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट अच्छे से साफ करता है, जब पेट अच्छे से साफ होगा तो भूख अच्छी लगेगी। तो जो लोग दुबले पतले लोग हैं, जिनका वज़न बहुत कम है, अपना फैट बढ़ाना चाहते हैं, मोटे होना चाहते हैं, उनके लिए इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। पेट जब साफ होता है तो भूख खुल के लगती है, खाना भर के खाओगे तो वज़न बढ़ेगा। ठीक है, अगले फायदे की बात करें तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को बेटर करने के ये बहुत काम आता है। यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, हृदय की बीमारी है या फिर अन्य तमाम बीमारियां हैं, तो उस दौरान इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को अच्छा करता है, ब्लड को डिटॉक्स करता है, शरीर से गंदगियों को बाहर निकालता है, जिससे हार्ट अटैक, दिल के दौरे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी बीमारियों के निजात में गुनगुना पानी, गर्म पानी बहुत मदद करता है। यार उपयोग करो, देखो कितनी पावरफुल औषधि है, कितने सारे फायदे हैं। चलो और बताता हूँ इससे होने वाले फायदों के बारे में। अगले फायदे की बात करें तो पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, मूड खराब हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, तो उस दौरान महिलाएं यदि इसका सेवन करेंगी तो अच्छा फायदा मिलेगा। पीरियड्स के दौरान शरीर में दर्द भी होता है, बहुत जगह पीड़ा भी होती है, तो महिलाएं उस दौरान गर्म पानी का सेवन करेंगी तो अच्छा फायदा मिलता है। अगले फायदे की बात करें तो पेट को साफ करने में हमने आपको बताया बहुत बेनिफिशियल होता है ये, साथ ही ये हड्डियों के रोगों को दूर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आपको गठिया है, अर्थराइटिस है, हड्डियों में हमेशा दर्द होता है, हड्डियों संबंधित तरह तरह की बीमारियां हैं, तो उस दौरान भी इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगले फायदे की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन स्तर को बूस्ट करने में गर्म पानी बहुत मदद करता है। कई दफ़ा पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है, तो गर्म पानी कहीं ना कहीं देखा गया है रिसर्च के द्वारा कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। ठीक है, तो पुरुष यदि मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करना चाहते हैं, तो भाई गर्म पानी का सेवन जरूर करो, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत अच्छी दवा है ये पुरुषों के लिए। ठीक है, साथ ही इन्फेक्शन वगैरह को भी दूर करने में, संक्रमण और वायरल संक्रमण को खत्म करने के बहुत काम आता है गर्म पानी। यार इसके बहुत सारे फायदे हैं, बालों के लिए हेल्दी होता है, हमारी स्किन के लिए हेल्दी होता है, हमारे शरीर को हमेशा बीमार होने से रोकने के लिए गर्म पानी बहुत अच्छा होता है। तो इसका उपयोग करो यार, तभी इससे होने वाले फायदों को ले पाओगे। बहुत सारे फायदे हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत कम फायदों के बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोग कहते हैं यार इतनी लंबी वीडियोज़ मत बनाया करो। ठीक है, इसी कारण ये छोटी सी वीडियोज़ आज के लिए मैं रहने देता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें गर्म पानी का सेवन करना है ताकि हम इससे होने वाले अधिक से अधिक फायदों को ले सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको रोज सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, फ्रेश वगैरह होने के बाद
आपको ब्रश नहीं करना है, ध्यान रखना ब्रश नहीं करना, बासी मुंह। आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है और सिप सिप करके उसको कम से कम 15-20 मिनट तक पीजिए, आराम से पीजिए, धैर्य से, जैसे आप चाय पीते हो ना बहुत रिलैक्स होकर के, वैसे ही आपको गर्म पानी का सेवन करना है। बहुत अच्छी दवा है इस तरीके से, यदि आप इसका सेवन करेंगे तो। और ध्यान रखना आपको ब्रश वगैरह नहीं करना है सुबह, बासी मुंह आपको इसका सेवन करना है। बहुत अच्छी दवा है, बहुत परफेक्ट तरीके से काम करती है, इस तरीके से इसका सेवन करेंगे तो। शुगर वगैरह को भी कंट्रोल करने में ये बहुत काम आती है, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, उपयोग करिए तो ही आप इससे होने वाले फायदों को ले पाएंगे। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, वीडियो को शेयर किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ताकि हमारी वीडियोज़ भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हैप्पी रहो, मौज में रहो, ठीक है। चलो जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चलो डन डन डन, बाय बाय।